रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रान बुखारी मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले खैरियत होंगे। व्यूज़, आज इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं घर जो कि हमारे पास आ चुके हैं रेंट के लिए। व्यूज़, ये घर डबल स्टोरी घर है और सिंगल यूनिट घर है। आप में से कोई भी अगर इसको ऑन विजिट करना चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस घर की लोकेशन के बारे में बताता चलूँ तो ये घर वेस्टिज में है और पेशावर रोड के बिल्कुल करीब है, रेस कोर्स ग्राउंड के बिल्कुल करीब है ये घर लोकेशन। और ये घर बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे व्यूज़, पानी बिजली गैस तीनों चीज़ों का इस घर में आपको इंशाल्लाह कोई भी इशू नहीं होने वाला। तो बढ़ते हैं विज़िट की जानिब। सबसे पहले अगर हम इसकी पार्किंग स्पेस की बात करें व्यूज़, तो आप यहाँ पर 3 से 4 गाड़ियाँ जो हैं वो आराम सुकून से पार्क कर सकते हैं। ये सारा एरिया आप इसका पार्किंग का देख सकते हैं व्यूज़। और इसके साथ जो है वो यहाँ पर आपको खूबसूरत लॉन मिल रहा है इसका, ये भी आप देख सकते हैं। ये इस घर की मेन एंट्रेंस है जो कि लाउंज में ओपन होती है। इसके बाद यहाँ पे एक गेस्ट रूम का डोर लगा हुआ है और ये जो है ये इसके ड्राइंग रूम और डाइनिंग की एंट्रेंस है। तो हम आपको लेके चलते हैं ड्राइंग रूम से घर के अंदर। तो सबसे पहले आप ये इसका व्यूज़ ड्राइंग रूम देख सकते हैं। खूबसूरत टाइल वर्क यहाँ पे आपको मिल रहा है, आप इसका सीलिंग वर्क भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि वैसे जो है वो एक पुरानी सोसाइटी है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर घर जो है वो पुराने मिलेंगे, लेकिन एक घर जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेंटेन इसको किया गया है, रेनोवेट किया गया है। आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं। ये इसका ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ जो है वो यहाँ पर आपको इसका डाइनिंग एरिया मिलता है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का। ये आप इसका ड्राइंग रूम और डाइनिंग देख सकते हैं व्यूज़। और इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं बाकी एरिया की जानिब। तो ये व्यूज़ आप देख सकते हैं, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे एक गेस्ट रूम मिलता है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको विंडो मिल रही है। ये इसका बाथरूम आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको टाइल वर्क मिल रहा है और इसके साथ यहाँ पर आपको कबर्ड्स भी मिल रही हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद व्यूज़ हम आपको दिखाते हैं इसका लाउंज। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के जो है वो यहाँ पे आपको इसका टीवी लाउंज मिल रहा है। आप इसका भी सीलिंग वर्क चेक कर सकते हैं। इसकी एंट्रेंस जो है वो बिल्कुल सेपरेट से है, ये आप देख सकते हैं, इसकी एंट्रेंस बिल्कुल सेपरेट से है और ड्राइंग रूम और डाइनिंग जो है वो बिल्कुल सेपरेट से है। सिंगल यूनिट घर है इसलिए आपको स्टेज जो है वो घर के अंदर से मिल रही है व्यूज़। और बढ़ते हैं बाकी विजिट की जानिब। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये इसका बेडरूम नंबर 2 मिल रहा है। आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको खूबसूरत सीलिंग वर्क मिल रहा है और इसके साथ आप इसका टाइल वर्क भी चेक कर सकते हैं। और ये इसका बाथरूम। कबर्ड्स की बात कर लें तो यहाँ पे आपको 3 डोर के साथ इसकी कबर्ड्स भी मिल रही हैं। और इसके साथ हम आपको दिखाते हैं इसका व्यूज़ किचन। यहाँ पे ये स्टोर भी है और ये आप देख सकते हैं इसका किचन। किचन के बिल्कुल साथ जो है वो आपका डाइनिंग है, डाइनिंग के बिल्कुल साथ आपका ड्राइंग रूम है। इसके साथ ही व्यूज़ ग्राउंड फ्लोर का विजिट कंप्लीट हुआ। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसका रिव्यू करवा देता हूँ। एंट्रेंस के बिल्कुल साथ जो है वो आपको यहाँ पे इसका लाउंज मिलता है और दूसरी एंट्रेंस के साथ आपको यहाँ पर इसका ड्राइंग रूम और डाइनिंग मिलता है और एक बेडरूम इसके साथ मिलता है। और ये इसका बेडरूम नंबर 2 स्टोर और ये इसका किचन। अब हम आपको लेके चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर और आपको दिखाते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। जी तो व्यूज़ हम आ चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पे स्टेज के बिल्कुल साथ जो है वो राइट साइड पे आपको इसका बेडरूम मिलता है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी जो है वो आपको खूबसूरत टाइल वर्क मिल रहा है। आप इसका सीलिंग वर्क भी चेक कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको विंडोज़ मिल रही हैं। वार्डरोब जो है वो भी आपको यहाँ पर 3 डोर के साथ मिल रही है और इसके साथ ये इसका बाथरूम। और फर्स्ट फ्लोर पे भी जो है वो आपको इसका ड्राइंग रूम और डाइनिंग भी मिलता है। और स्टेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको एक बेडरूम के साइज़ इतना बाथरूम मिल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं व्यूज़। काफ़ी बड़े साइज़ का जो है वो आपको वॉशरूम यहाँ पे मिल रहा है। इसके अंदर आपको कबर्ड्स भी मिल रही हैं और ये आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं जो कि आप लाउंज और ड्राइंग रूम के साथ यूज़ करेंगे। और ये आप देख सकते हैं इसका ड्राइंग रूम और डाइनिंग। ये बाथरूम है जो आप यूज़ करेंगे ड्राइंग रूम और लाउंज के साथ।
व्यूअर्स, इस घर की अगर हम डिमांड की बात कर लें तो इस घर की जो रेंट की डिमांड है वो 2 लाख है, जो कि निगोशिएबल है। पानी, बिजली, गैस तीनों चीज़ों का आपको इस घर में इंशाल्लाह कोई भी इशू नहीं होने वाला। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 2। तो ये व्यू आप इसका बेडरूम नंबर 2 और ये इसका बाथरूम भी देख सकते हैं। इसके साथ ही व्यूज़, फर्स्ट फ्लोर का विजिट भी कंप्लीट हुआ। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिव्यू करवा देता हूँ। एंट्रेंस के बिल्कुल साथ, स्टेज के बिल्कुल साथ जो है वो आपको इसका एक बेडरूम मिल रहा है। ये इसका लाउंज आप देख सकते हैं, लाउंज के बिल्कुल साथ एक काफ़ी बड़े साइज़ का आपको बाथरूम मिल रहा है। इसके बाद ड्राइंग रूम और डाइनिंग मिल रहा है और एक बेडरूम जो है वो आपको इसके राइट साइड पर मिल रहा है। इसके साथ ही व्यूज़, इस घर का विजिट कम्प्लीट हुआ। 16 मरला पे ये घर बना हुआ है, डबल स्टोरी घर है, सिंगल यूनिट घर है। आप में से कोई भी अगर इसको ऑन ग्राउंड विजिट करना चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्यूज़। इसके अलावा अगर आप सेल के घरों की वीडियोस भी देखना चाहते हैं जिसमें चकलाला स्कीम 3, DHA, बैरियर टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, न्यू लालाजार और इसके अलावा बहुत सारी सोसाइटीज़ की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी, आप उनको भी ज़रूर विज़िट कर लें। वीडियोस को अपने दोस्तों और अजीज़ों तक लाजमी शेयर करिएगा ताकि जो भी इन एरियाज़ में घर परचेज करना चाहता है या रेंट पर लेना चाहता है उन तक ये वीडियोज़ पहुँच सकें। व्यूज़, अगर आप अपने घर की भी वीडियो शूट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे रابطہ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा व्यूज़, इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया।